एक बात है कि जो विक्ट्री स्पीच है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें जो कुछ भी कहा है वो बात पूरी दुनिया भी कह रही है, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों का मीडिया हो, सबके सब मोदी मैजिक को समझने की और उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसे दुनिया किस तरह से डिकोड कर रही है ये समझने के लिए आज हमने कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की डिटेल निकाली। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी का डंका कैसे बज रहा है। क्या नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक लीडर? मिडिल ईस्ट के एक अखबार की यह हेडलाइन क्या संकेत दे रही है? क्या बिहार की जीत ने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया? आप कह सकते हैं चुनाव तो बिहार के थे, जीतने वाली दो बड़ी पार्टियां थी, अगला सीएम नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, तो फिर दुनिया मोदी की बात क्यों कर रही है? ये समझने के लिए आपको दुनिया के एक या दो नहीं 10 बड़े अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन देखनी होगी। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन कोरोना काल में मोदी की जीत को ऐतिहासिक बताता है, मोदी पर जबरदस्त मंथन करता है, मोदी की पॉपुलैरिटी का मिनट टू मिनट विश्लेषण करता है। मिडिल ईस्ट के अखबार मोदी मैजिक को डिकोड करते हैं, गल्फ न्यूज मोदी की लोकप्रियता पर लेख छापता है, अल जजीरा मोदी की जीत को उनकी बढ़ती हुई ताकत बताता है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। मिडिल ईस्ट के अखबार गल्फ न्यूज ने बिहार चुनाव के हवाले से छापा, क्या प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं? अल जजीरा ने लिखा, भारत की सत्ताधारी बीजेपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चुनावी जीत हासिल की, ये मोदी की ताकत बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि इन अखबारों ने सिर्फ हेडलाइंस छापी, इनमें तो बड़े बड़े लेख भी लिखे गए, मोदी के चुनावी तौर तरीकों का बारीक विश्लेषण भी किया गया। और लगभग हर अखबार ने माना कि जिस कोरोना की वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई, वही कोरोना बिहार में मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सीएनएन की हेडलाइन थी, भारत के पहले कोरोना वायरस इलेक्शन में मोदी को जीत मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कदम आगे जाकर लिखता है कि भारत के वोटर्स ने जो फैसला लिया उससे साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी कोविड-19 के फॉलआउट से पूरी तरह बफर हो चुके हैं। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। क्या आपने ये सोचा है कि बिहार चुनाव के नतीजों पर जो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस छपी वो क्या संकेत दे रही हैं? क्या दुनिया ने मान लिया है कि एनडीए को जो भी जनादेश मिलता है उसके पीछे एक अहम वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी की पॉपुलैरिटी है? क्या मोदी के काम करने के तरीके, उनके सोचने समझने और कठोर फैसले लेने के इरादे को दुनिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है?